जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। बोलिए भक्त मुक्ति हनुमान की जय। केदार के दर्शन करिए सब लोग जो धारा देखने आए हनुमान जी। राम जी ने बाण मार के हनुमान जी महाराज की शांति दी। हनुमान जी महाराज की लंका जलाने की दाई पूर्ण जोगनी थी, वो शांत नहीं हो रही थी, तो प्रभु श्री राम से शांति मांगा। प्रभु श्री राम जी ने बाण मारी, धारा को प्रभावित किया और यहाँ पास शांति दिया। तब से धारा निरंतर ऐसी सरकार की सेवा में समर्पित रहती, न धारा घटेगी न धारा बढ़ेगी, न धारे गाने का पता है न नीचे जाने का पता है, कहाँ से आती नीचे कहाँ चली जाती, इसी को हनुमान धारा हनुमान धर्म बोला जाता है। धारा पहाड़ के अंदर कहती है, नीचे दो कुंडों में समाप्त हो जाती है। ये बाबा का सरकार का आप लोग को दर्शन मिल रहा है, ये विराट रूप का दर्शन है, ये पूरे चित्रकूट जिले में कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी मंदिर पे मिलेगा। सरकार के पांचों रूप अलग अलग है, बारह गरुड़ो महावीर दर्शित है गुरु। सरकार की पूजा सेवा पांच वस्तु से होती है, रोट लंगोट तेल सिंदूर झंडा। प्रभु श्री राम ने कहा, जो भक्त आएगा कलयुग में विनती और आराधना करेगा, उस भक्त की महाराज की चरणों की कृपा से सारी जंदर मनोरथ पूरा होगा। सरकार के पांच रूप इसीलिए पांच वस्तुओं से पूजा सेवा होती, रोट लंगोट तेल सिंदूर झंडा। सरकार के श्रृंगार में 250 ग्राम सिंदूर, 100 ग्राम चमेली का तेल, एक झंडा एक लंगोट इस श्रृंगार में लगता है, ऐसे इतिहास की कथा सरकार किसी को हनुमान धरा हनुमान धरा बोला जाता है। बोलिए हनुमान धरा महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। अब कुछ भोग प्रसाद है, लड्डू है, नारियल है, पति पत्नी दोनों को हाथ लगा के देना, अकेले हैं तो अकेले आना है, क्योंकि प्रभु श्री राम और जानकी माता ने सरकार की एक साथ पूजा से बचे थे, सरकार की आग्रह पूजा से और जिसका हो गया वो बगल में खाने का जल पिए।